没去上班，我我打。嗯 Chainsaw. दूवी कॉल्ड मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तभी देखना क्योंकि जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी ये जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है खतरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चेंज मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्स चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ये अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ़ चली हुए जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छह होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया आप जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो तो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्स है समझ जाओ टेक्सस में ही काऊबॉय वाली मूवियाँ छूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पर पहुँचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बाढ़ टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल के लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कन्फ्यूज़ करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जानबूझ के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाई टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो नेट डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफ़िसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस अभी सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून खुण होता है अब जो एरिन है देखने के बाद उसकी तो भाई फट के चौबारा हो जाती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिस पे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड गाइस से जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका अमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और साला रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पर ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंज ऑफ मैसेकर टू थाउजेंड थ्री फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट एवर लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वह हैं डेविड ब्लू गैर्सी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिन एंड टोब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो सीमाटोग्राफिक किया गया, गया? है रिचार्ड डियाज के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है दो हजार बाईस फिफ्टींथ टू थाउजेंड एटीन तो गाइस टेक्स चें कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल एटी थ्री मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो है गाइस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सर्च चेंज सॉ तो क्या इसमें आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊँगा आप लोग कहाँ पर जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि जो मूवी है ऑब्वियसली दो का मूवी है एंड हर जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊंगा तो मूवी का नाम है टेक्सास चेंस ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ए अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ चली हुई जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो चैनसा होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया अब जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्सास है समझ जाओ टेक्सास में ही काउबॉय वाली मूवियाँ शूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ़ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पे पहुंचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बात टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कंफ्यूज करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जान के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाय टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरी नैट डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफिसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस अभी सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खूनी खून होता है अब जो एरी नहीं है देखने के बाद उसकी तो भाई फटके चौबारा हो जाती है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिस पे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड कहीं से जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका ओमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और इस सारा रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पे ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विज़िट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंस ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गारसी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिंग एंड टॉब होपर प्रोड्यूसर हैं मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वेंकल आयन वेंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो थ्री किया गया, गया? है रिचार्ड डियाज के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है दो हजार बाईस फिफ्टीन फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन तो गाइस टेक्स कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है 2022 वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल 83 मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो गाइस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सर्च चेंज सॉ तो क्या इसमें आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये एर लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्सर चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ए अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ़ चले हुए जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छा होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया अब जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो तो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा ही सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्सास है समझ जाओ टेक्सास में ही काऊबॉय वाली मूवियाँ छूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पर पहुँचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बात टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल के लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कन्फ्यूज़ करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जानबूझ के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाई टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरी नैट डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफिसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून होता है अब जो एरी नहीं है देखने के बाद उसकी तो भाई फट के चौबारा हो जाती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिसपे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड कहीं से जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका ओमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और इस साला रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड़ पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पे ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंस ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गारसी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिन एंड टोब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो सिनेमाटोग्राफिक किया गया है रिचर्ड डियाज के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है दो हजार बाईस फिफ्टीन फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन तो गाइस टेक्सस चें कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अलग स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल एटी थ्री मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो है इस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सर्च चेन सॉ तो क्या इसमें आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि ये जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुज़र रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़ी स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्सस चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ए अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ़ चली हुई जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छह होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया आप जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो तो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा ही सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्सास है समझ जाओ टेक्सास में ही काउबॉय वाली मूवियाँ छूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पे पहुंचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बार टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल के लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कंफ्यूज करके बाद में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जान के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाई टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरीनेट डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफ़िसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून होता है अब जो ऐरी है देखने के बाद उसकी तो भाई फट के चौबारा हो जाती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिस पे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड गाइस से जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका अमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और साला रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पर ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंज ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गैर्सी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिंग एंड टोब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हर्डसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी किया गया, गया? है रिचर्ड डियाज के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है 2022 हजार बाईस फिफ्टीन फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन तो गाइस टेक्स चें कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है 2022 वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल 83 मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो हैगा इस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सर्च चेंज सॉ तो क्या इसमें आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़ी स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्स चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ए अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ चली हुई जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो चैनसा होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया अब जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्सास है समझ जाओ टेक्सास में ही काउबॉय वाली मूवियाँ शूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ़ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पे पहुंचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बात टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कंफ्यूज करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जान के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाय टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरीनेट डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफिसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस अभी सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून होता है अब जो एरी है देखने के बाद उसकी तो भाई फटके चौबारा हो जाती है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिस पे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड कहीं से जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका ओमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और इस साला रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक व्हीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पे ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विज़िट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंज ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गारसी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिन एंड टॉब होपर प्रोड्यूसर हैं मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वेंकल आयन वेंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब कोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो जिसमेटोग्राफिक किया गया है रिचर्ड डियास के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है दो हजार बाईस फिफ्टींथ फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन तो गाइस टेक्स चेंसे कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है 2022 वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल 83 मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो गाइस मूवी के रेडिटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सर्च चेंज सॉ तो क्या इसमें आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि ये जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुज़र रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्स चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ए अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ़ चली हुई जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छह होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया आप जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो तो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा ही सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्सास है समझ जाओ टेक्सास में ही काउबॉय वाली मूवियाँ छूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पे पहुंचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बाढ़ टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल के लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कन्फ्यूज़ करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जानबूझ के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाई टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरी नेट डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफ़िसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून होता है अब जो ऐरी नहीं है देखने के बाद उसकी तो भाई फट के चौबारा हो जाती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिस पे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड गाइस ये जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका अमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और साला रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पर ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंज ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गैर्सी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिंग एंड टोब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो सिनेमाटोग्राफिक किया गया है रिचार्ड डियाज के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोरबिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है 2022 हजार बाईस फिफ्टीन फेब्रवरी टू थाउजेंड तो गाइस टेक्स चेंज हा मॉसे कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है 2022 वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल 83 मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो है गाइस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सर्च चेंज सॉ तो क्या इसमें आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या, क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्सस चेंस ऑफ मैक्सकर मैसकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ये अपने दोस्तों के साथ टेक्सास एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शॉक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ चले हुए जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छह सा होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया अब जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा ही सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्सस होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टैक्सस है समझ जाओ टैक्सस में ही काउबॉय वाली मूवियाँ छूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो 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 घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पर पहुँचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पांव नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई के साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइज घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बात टब में रख देता है ये जो सीन है, है।, तो है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कंफ्यूज करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जान के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाय टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरिन है डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफिसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस अभी सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून होता है अब जो एरिन है देखने के बाद उसकी तो भाई फट के चौबारा हो जाती है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिस पे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड कहीं से जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका ओमनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और इस सारा रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं खराब करता हूँ चलो इतने पे ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें मैं बताता ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पे ही और लिखो द टेक्स चेंजस ऑफ मैसेकर टू थाउजेंड थ्री फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट एवर लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गैरसी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिन एंड टोब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो सीमेटोग्राफिक किया गया, रिचार्ड गया? है रिचार्ड डियास के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियां जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक फिल्म्स फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है दो हजार फरवरी 2018 तो गाइस थाउजेंड एटीन तो हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है 2022 वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल 83 थ्री मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो so, हैगा yeah, इस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी सस्ट चेंज सॉ तो गा इस मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तभी देखना क्योंकि ये जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी ये जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गाँव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्स चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ए अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब तो उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ़ चले हुए जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छह होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया अब जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो तो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा ही सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्सास है समझ जाओ टेक्सास में ही काउबॉय वाली मूवियाँ शूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पर पहुँचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो खो� बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बात टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कंफ्यूज करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जानबूझ के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाई टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरी न डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफिसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो लेदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून होता है अब जो ऐरी नहीं है देखने के बाद उसकी तो भाई फटके चौबारा हो जाती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिसपे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड गाइस ये जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका अमिनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और इस रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं ख़राब करता हूँ चलो इतने पे ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाकर देखना है तो क्या इसमें बताता दू ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंज ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट एवर लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गैर्सी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिंग एंड टोब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नर मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद जेकोब कोब एलाइस कैरिंग मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी किया गया, रिचार्ड गया? है रिचर्ड डियास के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है दो हज़ार बाईस फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन तो गा इस टेक्सस चेंज सास चेंजसा तो गाइस मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो तभी देखना क्योंकि जो मूवी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक मूवी है एंड इसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं और सच्ची में इसके अंदर जो सीन्स है उसे ब्लर भी नहीं किया जाता है इसीलिए और भी जो मूवी है दर्दनाक बन जाता है ख़तरनाक तो हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है एरिन एक लड़की होती है और उसके चार पांच दोस्त लोग एक टेक्स चें मतलब टेक्सस एरिया में से गुजर रहे होते हैं टेक्सस एक सिटी होता है या फिर गांव होता है आप कुछ भी समझ लो लेकिन उसी एरिया से ये लोग पास हो रहे होते हैं तभी ऐसा होता है रुक जाओ होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले मैं मूवी के अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर क्या क्या, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइस पहले मैं आपको बताऊँगा मूवी के थोड़े स्टोरी लाइन एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मूवी के बारे में कहाँ से फैक्ट्स एंड डिटेल के ऊपर मूव ऑन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एट द एंड बताऊंगा आप लोग कहाँ पे जाके इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो क्योंकि ये जो मूवी है ऑब्वियसली 2003 का मूवी है एंड हर जगह पे ये मूवी आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले चलिए तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है मूवी के बारे में फैक्ट भी आपको बताऊँगा तो मूवी का नाम है टेक्सर चेन्स ऑफ मैक्सकर मैसेकर एंड अब हमें दिखाया जाता है जो एरिन होती है ये अपने दोस्तों के साथ टेक्सस एरिया से गुजर रही होती है तभी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है मतलब उनके कार के बाजू में से जा रही होती है सामने आ जाती है चक्के में तब उसका जो दोस्त होता है ड्राइवर वो कैसे गाड़ी को संभाल लेता है उसे लड़ने नहीं देता है एंड वो जो लड़की है अभी भी इतना ज़्यादा वो डर गई थी शौक में आ गई थी कि अभी भी वो सामने की तरफ़ चले हुए जा रही है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है एक्चुअली तब उसी में एरिन का एक दोस्त उतर के बाहर पूछता है उस लड़की से क्या हो गया तब इनको लगता है कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि वो सिर्फ़ बोल रही थी वो उसने सबको मार दिया अब उसने सबको मार दिया का मतलब क्या है गाइस समझ रहे हो ना जो छा होता है उसने सब लोगों को मार दिया होता है उसके दोस्त और उसके परिवार को अब दिखाया जाता है ऐसे कि वो एरिन और उसके दोस्त लोग उस लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं एंड कुछ समय आगे जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो लगती है बहस करने और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो इधर अगर जाओगे तो सारे लोग मारे जाओगे अब जो लड़की होती है इतना ज़्यादा वो डर जाती है कि एक गन निकालती है एंड वो गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर लेती है अब ये देखने के बाद एरिन और उसके दो दोस्त होते हैं उनकी फट जाती है क्योंकि उनके गाड़ी के अंदर ऐसा एक हादसा हो गया अब जानते हो क्या करते हैं वो लोग वो लोग सोचते हैं कि कैसे भी जाके इस बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। बहुत देर डिसाइड करने के बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग बताएंगे इस बात को और केस को मतलब आराम से मतलब इनकी गलती नहीं होती है ना ओके तो ऐसा ही सीन होता है तो अब ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को खोजते हुए लेकिन जो टेक्स होता है बहुत ही मतलब विलेज टाइप होता है एंड बहुत दूर दूर गाइस अगर तुम आप काउबॉय वाली मूवियाँ देखे हो ना तो वैसा कुछ टेक्स है समझ जाओ टेक्सस में ही काउबॉय वाली मूवियाँ शूटें होती हैं बहुत दूर दूर सिर्फ रेगिस्तान जैसे और हरे भरे पेड़ नहीं दिखते हैं उधर वो ब्राउन ब्राउन पेड़ दिखते हैं एंड दूर दूर में बहुत दूर दूर में एक एक दो दो घर होते हैं तो उधर जाने के बाद वो एक घर पे पहुंचती है और वो लोग पता करते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है तो जाने के बाद पता चलता है कि उनको एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही होता है उधर उसका पावन नहीं होता है तो वो बोलता है कि घर के अंदर सिर्फ लड़की आके कॉल लगा सकती है पुलिस स्टेशन पे लड़कों को नहीं अलाउड है आना तो अब जो लड़की होती है इनकी दोस्त एरिन ये आती है घर के अंदर एंड कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है तभी उसका जो दोस्त होता है वो गलती से घर के अंदर घुस जाता है एंड आगे बढ़ते बढ़ते एरिन को खोजते खोजते वो बेसमेंट में चला जाता है अब बेसमेंट में जाते ही भाई इसके साथ क्या सीन होता है पीछे से जो लेदर होता है वो आके एक बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मार के उसका सिर फोड़ देता है एंड गाइस घसीटते हुए उसे लेके जाता है एंड उसे जाके एक बात टब में रख देता है ये जो सीन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है डेंजरस सीन है तो हाँ जो विजुअल है बहुत भयानक है इस मूवी के तो बच के रहना ओके अब हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त को एक दोस्त को मार दिया उस लेदर ने अब जो एरिन होती है अपने दोस्त को खोजते हुए बाहर आती है तो दोस्त जब नहीं दिखता है तो ये फिर से और भी कुछ ग्रुप वाले फ्रेंड्स थे ना उनके पास जाती है कि अपना एक दोस्त दिख नहीं रहा है तो सारे लोग अब मिल के लगते हैं खोजने अपने दोस्त को और अब जो एरिन होती है फिर से उसी बूढ़े ऑफिसर के घर पर आती है जिसका टांग नहीं होता है उधर आने के बाद वो जैसे मतलब बूढ़े आदमी को कन्फ्यूज़ करके बात में फंसा रही होती है तभी इसका एक और मेल दोस्त जो होता है घर के अंदर घुस जाता है जानबूझ के अपने पुराने पहले दोस्त को खोजने के लिए अब दिखाया जाता है जैसे घर के अंदर घुसता है तो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर कि बहुत सारे मांस कटे हैं मतलब इंसानी मांस कटे हैं एंड अलग अलग तरह से बाई टूल्स रखे हैं इंसानी मांस को काटने का अभी देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है तभी जो होता है उधर एक बॉक्स इससे गिर जाता है एक लड़के से और बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है अब जो एरी ने डर जाती है क्या हो गया करके वो भी घर के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे से पुलिस ऑफिसर जो टांग उसका कटा है वो भी आ जाता है अब गाइस जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखता है वो कहता है लेदर बाहर आओ अब गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो लैदर होता है वो बाहर आता है एंड उस लड़के को काट देता है उसकी टांग काट देता है बहुत भयानक सीन है भाई सीधा सीधा दिखा दिया गया उस सीन को एकदम टांग को काटता है खून ही खून खुण होता है अब जो ऐरी है देखने के बाद उसकी तो भाई फट के चौबारा हो जाती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उधर से भागती है अब भागते भागते वो जब सामने पहुंच जाती है वो पुराने अपने जो दो तीन दोस्त और बचे होते हैं उनके पास जाती है एंड वो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब ऐसे ऐसे अपना एक और दोस्त मारा गया अब जो होता है सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ जिस का पैर कटा है ओके अब पैर कटने के बाद लेदर जो होता है पैर काट देता है एंड उसे घसीटते हुए लेके जाता है और एक हुक पे टांग देता है हुक का मतलब समझ रहे हो जिसपे बकरे को या फिर बीफ के मांस को टांगा जाता है उसके ऊपर उसको पीठ के हड्डी के बल रीढ़ के हड्डी के बल उधर टांग देता है एंड गाइस ये जो सीन है ना सच्ची में माइंड डिस्टर्बिंग सीन है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है एंड हाँ देखना है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है देख सकते हो उसके बाद दिखाया जाता है अब जो एरिन होती है वो अपने वही जो पुराना इनका अमिनी वैन होता है उस वैन के अंदर बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके इधर से भागने का प्लान होता है इसका तो भागना है कैसे भी करके अब जब ये भाग रही होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड वो कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स टेंशन मत लो अब दिखाया जाता है और इस सारा रिलैक्स करा देता है पुलिस ऑफिसर सही है लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर थोड़ा चेक करता है तो उसे मिल जाता है एक वीड पुलिस ऑफिसर ये देखने के बाद सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आपको चलो मैं प्लॉट को पूरा नहीं ख़राब करता हूँ चलो इतने पे ही मैं स्टोरी को छोड़ देता हूँ अब पुलिस ऑफिसर ने उस चीज़ को पा गया है अब आगे क्या सीन होगा तुम्हें जाके देखना है तो क्या इसमें बताता दो ना मूवी को आपको कहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री के अंदर देख सकते हो तो अगर तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल फ्री के अंदर देखना है तो विजिट करो यूट्यूब पर ही और लिखो द टेक्स चेंज ऑफ मैसेकर टू फुल मूवी इन हिंदी और इंग्लिश वाट एवर लैंग्वेज यू आर वॉचिंग एंड उसके बाद चलो मूवी के फैक्ट्स पे आते हैं मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड ब्लू गार्सी स्क्रीन प्ले किया गया क्रिस थॉमस डेवलिन के द्वारा बेस्ड ऑन स्टोरी बाय कैरेक्टर्स बाय किम हैंकलिन एंड टॉब होपर प्रोड्यूसर है मूवी के हर्बर्ट डब्ल्यू गेन्स किम वैंकल आयन वैंकल पैट कैसेडी स्टारिंग कास्ट मूवी के हैं सारा एलसी मार्क बर्नार मोड डनफर्ड नेल हडसन जेसिका एलन उसके बाद एलाइस कैरिंग मूवी का जो थी किया गया, रिचार्ड गया? है रिचार्ड डियाज के द्वारा किया गया प्रोडक्शन कंपनियाँ जो हैं वो है लेजेंडरी पिक्चर्स एक सोर्बिया फिल्म बैड होमबर्स डिस्ट्रीब्यूटर है नेटफ्लिक्स रिलीज डेट है 2022 हजार बाईस फिफ्टीन फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन तो गाइस टेक्स चें कर हाँ मैंने वही अभी बताया आपको बट ये जो मूवी है 2022 थाउजेंड वाला स्टोरी है सॉरी गाइस एंड रनिंग टाइम है मूवी का टोटल एटी थ्री मिनट्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश सो है इस मूवी के रेटिंग वोटिंग के बारे में देखते हैं तो हाँ वो सारा चीज़ सही है तुम लोग आराम से जाके मूवी को देख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मस्त मूवी है मतलब हाँ सीन तो बहुत डेंजरस डेंजरस है लेकिन यस यू कैन सी द मूवी